एक्सीडेंट कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक पिकअप चालक ने एक 5 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया है, और वो यहाँ से कहीं गुजर रहा था कि उसने, बताते हैं कि पिकअप चालक फोन पे बात कर रहा था और उस बच्चे को देखा नहीं और उसकी गर्दन पे से उसने गुजार दिया। मेरे साथ है अंग्रेज जी, बताइए कैसा हुआ और किसका लड़का था ये? ये देखिए, हमारे समाज का एक भाई है संजीव उर्फ छोटू, उसका लड़का था ये। हाँ। और ये दवाई लेके बच्चा साइकिल पे आ रहा था, इसको पता नहीं था पीछे से गाड़ी आ रही है। गाड़ी चालक जो पिकअप चालक था, हाँ, उसकी गाड़ी का नंबर है 421E 4946E 9994 गाड़ी का नंबर है, पिकअप गाड़ी है, बलेरो पिकअप, और वो 50 की स्पीड पे तकरीबन होगा। ये संजीव किसका लड़का? संजीव जो है, ये जो बच्चा मरा है ये उसका बाप है। ये किसका? संजीव किसका? संजीव प्रेम कुमार का है, छोटू बिडलान। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो बच्चा जो मरा है ये 9 साल का लड़का, इसका नाम अनिरुद्ध है। 5 का है, 9 का? 9 का, अनिरुद्ध नाम है इसका। और ये साइकिल पे आ रहा था दवाई लेके, पीछे से पिकअप गाड़ी आ रही थी, इसने 50-21 स्पीड पे भगा रखी होगी, कान पे इसने फोन लगा रखा था। जब इसने बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ाई तो पहले वाला टायर जो चढ़ा इसको पता ही नहीं चला। जब इसने दूसरा टायर चढ़ाया गाड़ी के ऊपर, जब इसने देखा कि बच्चा मतलब गिर गया, मतलब नीचे गाड़ी का आ गया, गाड़ी के नीचे जब बच्चा आ गया तो ये भगाने की कोशिश करने लगा। वहाँ मौके पर 2-4 भाई बैठे थे, उन्होंने पकड़ के इसकी गाड़ी की चाबी निकाली है, फिर पकड़ के उस बच्चे को उठा के सिविल हॉस्पिटल में लेके डॉक्टरों ने वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। हाँ, वहाँ पर उनको डॉक्टर साहब ने मोर्चरी में रखवा दिया, और फिर हम थाने के अंदर गए, इंस्पेक्टर साहब ने हमारे को जो चालक था, एक्चुअल में जो अपराधी है चालक है जो, उसको हमारे से वेरीफाई करवाया कि ये आदमी था। वो हमने उसको देखा है, वो मैजत का बताया है, गांव मैजत का रहने वाला है, जाति उसकी जाट है। अच्छा। हाँ, तो अब आपने यहाँ रोड जाम कर दिया है? रोड जाम हमने इसलिए कराया, हमारे समाज के अंदर रोष है, यहाँ 5 जातियों के लोग रहते हैं और एक जाति से समाज नहीं बनता, सभी जातियों से मिलकर समाज बनता है। तो यहाँ सारे समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे अंदर रोष ये है, आज एक उस भाई का बच्चा मरा है, कल को हमारा भी नंबर हो सकता है, बड़े का भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ एक जीनियस पब्लिक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और यहाँ जो रोजमर्रा का जो बच्चा आने जाने वाला है, ये भी सुनो मेरी बात है जी, स्पीड ब्रेकर नहीं बना रखी, यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, 4 लेन सरकार ने बाहर निकाल रखे है, लेकिन फिर भी देखिए सीसापुल चौकी है, इधर से ये चौकी है, ठीक है, हिसार चुंगी के पास नाका लगा हुआ है, फिर भी कोई पुलिस का नुमाइंदा, कोई पुलिस का कर्मचारी, कोई मुलाजिम बड़ी गाड़ियों को अंदर आने से नहीं रोकता, एनपी ट्रक भी अंदर आता है। कितने और बच्चे हैं? संजीव के 3 बच्चे हैं, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, बड़े वाला लड़का ये बीच का लड़का था, छोटा था ये। हाँ, एक इससे छोटी लड़की 1 साल की, ये पढ़ता है? हाँ, ये पढ़ता था लड़का। देखिए, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, अनुरोध नाम का लड़का, जो संजीव का लड़का है, हमारी मांग है यहाँ ब्रेकर बनना चाहिए, 1 मिनट भाई। हाँ, बताइए। हमारे यहाँ ब्रेकर बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी प्रशासन, जिला प्रशासन से हमारी शिकायत है कि यहाँ बड़े जो टिपर, जो बड़े चालक है, मतलब जो बड़े साधन है, एनपी ट्रक है, जो बड़े ट्रक है, तो वो यहाँ अंदर शहर के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए उनकी। देखिए ना, तो सीसापुर चौकी के जो पुलिस मुलाजिम है वो नहीं रोकते बड़ी गाड़ियों को, उधर से हिसार चुंगी की तरफ जो पुलिस मुलाजिम है, जो नाका बना हुआ है, वो भी नहीं रोकते बड़ी गाड़ियों को। आज हमारा बच्चा मर गया। अब आपका जाम कब तक रहेगा? हमारा जाम जब तक रहेगा जब तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ जाता। बिल्कुल, ऐसा सर कि हम काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, सुवार चौहान नाम है मेरा, प्रधान हूँ मैं नगर पालिका में, लेकिन हमने बड़ी प्रार्थना की अफसरों से भी और सारे मंत्रियों से कर ली, लेकिन हमने कहा ब्रेकर लगाओ, ब्रेकर नहीं है ब्रेकर, उसी की वजह से हादसा हुआ। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन अब जो अंग्रेज भाई ने कही है मैं आपको बताई है, लेकिन सरकार गरीब की नहीं सुनती, कोई भी मंत्री हो, कोई एमएलए हो, कोई प्रधान हो, सुनती नहीं है। विधायक साहब यहाँ से टपते हैं, विधायक साहब का डेली रोजमर्रा का आना जाना इधर से, विधायक साहब हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ ध्यान नहीं देता हमारे ऊपर, कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे एरिया में। 4 एक्सीडेंट पहले हो चुके, मैं मेरे साथ जुड़ गया। हाँ, बताओ। एक बार एक्सीडेंट हुआ, लड़के के सिर पर ट्रक निकल गया, मैं समझ पा रहा हूँ आपके भावनाओं को, बड़ा हो चुके, बहुत ही हृदय विदारक एक्सीडेंट हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। 9 साल के बच्चे की जान।
लेकिन वोट मिलने के लिए तो नहीं पता रहा। मेरा साथ जुड़ गए आपको प्रार्थना मुर्दाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद मेरा साथ जुड़ गए आज सरकार मुर्दाबाद 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 अजय सैनी जी ये चार कुटुंब के एक्सीडेंट जो हुआ है हरदेव एक 9 साल के बच्चे की पिकअप ने कुचल दिया है क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा बदन सी बड़ी ही दुर्घटना है ये और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम प्रशासन से मांग करते हैं जो हमारे भाई ने ये डिमांड रखी है ये पूरी नहीं होगी तो हम जब तक पूरी नहीं होगी भाई के साथ बैठे हैं धरने पे या तो कोई अधिकारी आके यहाँ हमारी बात को कह के जाए भाई हम बना देंगे नहीं तो जब तक नहीं बनेगी भाइयों के साथ बैठने के लिए हम तैयार बैठे हैं। यहाँ मैं भी बैठा हूँ और जरूर पड़ी तो मेरे और भी तो पार्षद साथी है यहाँ भाइयों के साथ बैठने के लिए तैयार है। रोकते के भाई बड़ा साधन नहीं टपेगा ठीक है यहाँ रात नहीं देखते दिन नहीं देखते कोई ब्रेकर नहीं है कोई बच्चों की फैसिलिटी नहीं है। आप ये बताइए विधायक साहब आप यहाँ से रोज टपते हैं गाड़ी लेके आप बता दो यहाँ ब्रेकर हो दो चलो हम तो नहीं बताते आप बताओ अपने मुंह से यहाँ ब्रेकर आपको दिखाओ दो। आपने कभी ब्रेकर की डिमांड तो करी नहीं आज ब्रेकर की तो। डिमांड हमने विधायक जी पहले करी थी हमारी पहले एक लेडीज गुजर गई थी ट्रक चढ़ा था उसके ऊपर भी एनपी ट्रक था एक मिनट एनपी ट्रक था एक हमारा आदमी भी गुजरा था उसके ऊपर भी ट्रक चढ़ा था हमने पहले ही ब्रेकर की मांग रखी थी लेकिन नहीं हुई। मेरे पास तो अभी आपकी डिमांड आई है आज से पहले कभी आपने मेरे को कहा नहीं आज मैं आपको इस प्रेस के माध्यम से सभी भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कल ही यहां ब्रेकर बनवा लें। चलो ठीक है सर। और सर जो ये बच्चा हमारा है ये 9 साल का बच्चा है सर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई उसका सारा जबाड़ा निकल गया उसकी दोनों आंखें बाहर आ गई बच्चा गरीब है माँ बाप गरीब है तो उनकी उसका तो क्लेम सरकार वैसे ही देती है आप मांगो ना मांगो तो भी देती है। नहीं सर आप हमारे आप आशी शहर के मालिक है सर आज ऐसा है भैया वो मैं मालिक हूँ या ना मालिक हूँ एक कानून है एक्सीडेंट में जो मरता है उसको क्लेम मिलता है वो मिलता है सर वो मैं इसी चीज में रहता हूँ लेकिन आप ये बताए सर आप मौके के विधायक हैं जनता ने आपको चुना है आप सरकार की तरफ से परिवार की क्या मदद करवाएंगे? नहीं मैं जो भी मदद मेरे से हो बन पड़ेगी मैं पूरी मदद करवाऊंगा मगर MLA के खुद के पास कोई ऐसा कोटा नहीं होता सरकार ने एक प्रोविजन बना रखा है वो हर बंदा जो भी इस हरियाणा में रहता है हर बंदा बीमा युक्त है उसको सरकार राशि देती है जो भी कानून है वो उसकी पूरी मुहैया भी करवाने में मैं हर संभव विधायक जी MP साहब के पास कोटा होता है तो मैं MP थोड़ी हूँ यार। नहीं फिर आप MP सरकार में तो बैठे हो सर हाँ तो मैं जो कह रहा हूँ ना मैं अपनी जबान से कुछ नहीं कह सकता जो मैं आपकी मदद कर सकूँ मेरा अपना परिवार है यार मैं तुम्हारा नुमाइंदा हूँ यार मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा और कौन सा ऐसा मौका है जब मैं आप लोगों की मदद नहीं करता आप बताओ कभी मदद के लिए मेरे पास आए और मैं आपसे दूर हुआ तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा और आपकी मदद करूंगा सर ये जहाँ तक ब्रेकर की बात एक मिनट जी एक मिनट मैं थाने के अंदर गया कोई काम के लिए एक मिनट सर सुभाष इस मुद्दे पे इस मुद्दे एक मिनट विधायक जी ये गरीब परिवार है इनको उचित मुआवजा जो भी उचित मुआवजा होगा जो सरकार की प्रक्रिया है मैं पूरा सहयोग करूंगा। और सर हमारी आपसे एक अनुरोध है कि यहाँ जीनियस पब्लिक स्कूल है वहाँ बच्चे पढ़ते हैं 10वीं क्लास मैं ब्रेकर बनवा दूंगा बड़े साधनों को यहाँ बंद बिल्कुल बंद होना चाहिए चाहे रात हो और चाहे दिन हो यहाँ साधन नहीं चलना चाहिए बड़ा जो ओवरलोडेड साधन है ये बाईपास सर किस लिए बनवाए ओवरलोडेड साधन है उनको भी बंद करवा नहीं कई बार ऐसा हुआ बाईपास से निकालो तो लगा दी थी लाइनें लगा दी थी बड़ी गाड़ी टपने के लिए नहीं आओ तीन हादसे हो गए विधायक जी यहाँ तीसरा बच्चा मर गया हमारा 9 साल का भैया पहले दो भी ये तो सब परमात्मा की वो है जी हम कुछ इसमें जो हम इसको रोकने के लिए बचाव कर सकेंगे वो जरूर करेंगे। आपने आज कहा है आपकी ये जो मांगे हैं ब्रेकर बनवाने की या बड़ी गाड़ियां बंद करवाने की वो करवाएं हमारी एक मांग ये भी है सर गरीब परिवार है उसको कोई सहायता दिलवाई जाए आप मैंने आपको ये कह रहा ना जो सरकार का प्रोविजन है वो हर हालत में मिलेगी नहीं मिलेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा मैं करवाऊंगा ठीक है सर। साहब ये 11 से होते हैं रोड साइड एक्सीडेंट सर कब तक हो जाएगी ये आपका ये जो आपका ब्रेकर का काम है ये तो कल ही हो जाएगा। नमस्कार जी नमस्कार जी मेरा पोता था जी हाँ जी हाँ जी हाँ देख यहाँ बड़े बड़े वे व्हीकल नहीं टपड़े चाहिए ये चार चार पहिया वाले आँख उसकी बार पड़ी है आप किसकी छोटू की माँ हूँ मैं आप मैंने जन देखो नहीं ठेकेदार रही मैं हाँ आपका पोता हाँ छोटू लड़का इनका दोनों पहिया चढ़ा दिए बोलो तीन बार रखा ना उसको हाँ जी तीन है क्या करें बताओ साहब अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो कल ये स्पीड ब्रेकर बनवा दो
हो जाएंगे, कल ही हो जाएंगे। बड़े साधन रोको सर यहाँ बेटे, वो इसके लेवल की बात नहीं, वो मेरे लेवल की बात है, मैं करूँगा। सर इनकी इनकी मांगे मान ली हैं? हाँ, मैं इनकी जो मांगे हैं कि बड़े ट्रैफिक, लोडेड ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक जो आते हैं वो यहाँ से वो बाईपास जाएंगे। हृदय विदारक ये एक्सीडेंट। हाँ, नो डाउट, इसमें मुझे भी पूरा दुख है। देखो जी, इतना छोटा सा बच्चा, फूल सा, अभी जो खिला भी नहीं था उससे पहले ही मुरझा गया, तो कहीं ना कहीं उस ड्राइवर की लापरवाही है। उसको तो सजा देने का काम कानून करेगा ही, और उसके मुआवजे के तौर पे भी जो सरकार की प्रक्रिया है वो भी हम पूरी तरह से दिलवाने का प्रयास करेंगे। ना केवल प्रयास करेंगे बल्कि दिलवाएंगे। चलो विधायक साहब ने इतने आदमियों के बीच में कही है, तो देखते हैं विधायक साहब हमारे लिए क्या करते हैं। ठीक है, लोकल आदमी है, हमारे शहर के आदमी है, विश्वास भी होना, विश्वास है जी, विश्वास है जी। प्याणा साहब हमारे पास आए, बिल्कुल तो ब्रेकर की बात हो ही गई। ठीक है जी, ठीक है, करेंगे। प्याणा साहब जिंदाबाद।